पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो थी उसे रद्द कर दिया गया है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है। 6 महीने के अंदर अब ये परीक्षा दोबारा होगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है। तो ये एक बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, बीते दिनों आपको याद होगा कि आवेदन पत्र एक सामने आया था जिसमें सनी लियोनी जो बॉलीवुड अदाकारा हैं उनका भी आवेदन उसमें शामिल हुआ था। तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला था और सुर्खियों में भी ये सारी बातें आई थी। अब यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और 6 महीने के अंदर दोबारा से यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोषी जो हैं इस मामले में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बेहद बड़ा मामला आपको बता रहे हैं, 6 महीने के अंदर एक बार फिर से परीक्षा का आयोजन होगा क्योंकि इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया था वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। संकेत मिश्रा लखनऊ से लाइव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। संकेत, एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है और बीते दिनों हमने देखा था कि एक आवेदन जो है वो भी सामने आया था, सनी लियोनी की फोटो उसमें थी वो भी छाया था और अब इस पर एक बड़ा फैसला ले लिया गया, इसे रद्द करके 6 महीने में फिर से परीक्षा की बात कही गई। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त फैसला लिया है। जैसे ही उनको जानकारी हुई कि इस परीक्षा में सेंधमारी की गई है, उन्होंने तत्काल इस परीक्षा को निरस्त करने के आदेश दिए और यही भी आदेश दिए कि इस परीक्षा को 6 माह के भीतर ही दोबारा से कराया जाएगा। युवाओं के हित में यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर लिया और ये निर्देश भी जारी किए हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो अगर कार्रवाइयों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ऐसी जघन्य अपराध करने वालों पर सीधे तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई होती है। तो ऐसे में अब एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तमाम लोग रडार पर हैं, ऐसा सरकार का खुद पक्ष है, सरकार का बयान है। तो जल्द ही अब गिरफ्तारियां होंगी। कुल मिलाकर बड़ी खबर यह है कि यूपी पुलिस की इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। जो वर्ष 2022-23 की भर्ती परीक्षा है यूपी पुलिस की, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब निरस्त कर दिया गया है और 6 माह के भीतर दोबारा पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। क्या क्या गड़बड़ियां इसमें पाई गई थी, क्या क्या शिकायतें आई थी मुख्यमंत्री के पास? बिल्कुल, इसमें तमाम तरह से शिकायतें आई और जब इस पूरे मामले की एसटीएफ ने पड़ताल की तो प्राथमिक पड़ताल में इस परीक्षा में सेंधमारी का पूरी तरीके से मामला सामने आया। तो यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ में मीटिंग की और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बैठकों में भी ये कहा कि काम करने वाले, योग्य पढ़ने लिखने वाले छात्र ही इस परीक्षा को पास करेंगे। अगर इस परीक्षा में किसी भी तरीके से भर्ती में किसी तरीके से सेंधमारी है तो सेंधमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तत्काल इस परीक्षा को निरस्त किया जाए जिससे कि कोई अयोग्य अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास ना कर सके। यही वो वजह है कि सरकार के निर्देश के बाद इस परीक्षा को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया संकेत आपका इस तमाम जानकारी के लिए और पढ़ते हैं आगे और बात अब अगली खबर की करते हैं।